और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी में 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जानकारी दी है। यूपी में कांग्रेस और एसपी के बीच गठबंधन तय माना जा रहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जानकारी दी है। रायबरेली और अमेठी पर सहमति बनी है। महाराजगंज, झांसी, सहारनपुर, वाराणसी मिलने की संभावना। वहीं कुशीनगर, बांसगांव, गाजियाबाद भी मिलने की संभावना। कानपुर और गौतमबुद्ध नगर मिलने की संभावना। कांग्रेस ने अभी साफ तस्वीर जो है वो नहीं की है। यूपी में 11 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कौन कौन सी वो सीटें वो हम आपको बता देते हैं। रायबरेली और अमेठी पर सहमति बनी है। तीसरी महाराजगंज, चौथी सीट झांसी, पांचवी सहारनपुर, वाराणसी 6 सीटें, उसके बाद कुशीनगर, बांसगांव, गाजियाबाद भी मिलने की संभावना है। कानपुर और 11वीं सीट गौतम बुद्ध नगर मिलने की संभावना है। ये तमाम वो सीटें जिस पर एसपी और कांग्रेस में फॉर्मूला तय हुआ है। कांग्रेस को 11 सीट जो है एसपी ने दी है। रायबरेली और अमेठी पर सहमति बनी है। साथ ही साथ अगर बात की जाए महाराजगंज, झांसी, सहारनपुर, वाराणसी, कुशीनगर, बांसगांव, गाजियाबाद, कानपुर, गौतमबुद्ध नगर मिलने की संभावना है। तो समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस एक बार फिर से